हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अजय और आप सबका स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रियल क्रिकेट 22 गाइस कब तक रिलीज़ होने वाला है, क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेगा जब रिलीज़ हो जाएंगे, और भी बहुत सारा कुछ इस बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। तो वीडियो को जो अंत तक देखते रहिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भाई बेल नोटिफिकेशन को पे सेट कर दो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो RC22 में गाइस क्या क्या फीचर्स होने वाले, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं एंड में बताऊंगा रियल क्रिकेट 22 रिलीज़ कब तक होने वाला है, ठीक है, एंड में बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो फीचर्स के बारे में बात करें तो गाइस काफ़ी सारा जो फीचर्स है आपको देखने को मिलने वाला है। गेम जो है 700 MB का होने वाला है, सबसे पहले आपको बता दूँ। और 2 GB RAM और 1 GB RAM में आप खेल नहीं सकते, 2 GB RAM के ऊपर वाला डिवाइस में आप खेल सकते हो इस गेम को। और गेम गाइस जो है काफ़ी बढ़िया होने वाला है, कैरियर मोड भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और टाइम तो ले रहे हैं रियल क्रिकेट 22 रिलीज़ करने के लिए कंपनी वालों, तो यहाँ मुझे लग रहा है ओमेंस क्रिकेट भी शायद आपको देखने के लिए मिल जाए शुरुआती जब रिलीज़ हो जाएंगे, बीटा वर्जन में रिलीज़ होने वाले। बाकी भाई जो है फीचर्स के बारे में और बात करूँ तो भाई आपको जो है मल्टीप्लेयर में आप खेल सकते हो भाई, मल्टीप्लेयर में जो अपना एनिमी के साथ जो आप बातचीत कर सकते हो, माने मतलब यार ओपोनेंट टीम के साथ बातचीत कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स जो होने वाला है रियल क्रिकेट 22 में गाइस, काफ़ी मज़ा आएगा। और बाकी गाइस जो है गेम प्ले में तो आपने देखा रहेगा ट्रेलर भाई, जो फीचर्स है गाइस रियलिस्टिक वाला फील आपको मिलने वाला है, और साथ में गाइस बहुत सारा जो है शॉट आप खेल सकते हो कहीं पर भी। तो RC22 का रिलीज़ होने के लिए आपको जो है IPL ख़त्म होने के बाद रिलीज़ होने वाला है, पिछली वीडियो में मैंने बताया है डिटेल में, आप देख सकते हो वीडियो को जाके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं हूँ अजय, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।